एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज हमारा जो सेशन होने वाला है, दिस विल बी अवर पार्ट फोर सेशन। ठीक है, पार्ट फोर हम करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने थ्री सेशंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड पे रिवीजन सेशन चल रहा है, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। वैसे भी सारी चीज़ें मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी क्लासेस का, एज वेल एज आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ओके, सो ज़रूर से चेकआउट करिए और सारी क्लासेस को पहले से ही एनरोल कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, हायर एजुकेशन का सेशन होने वाला है आज 10 से 11 के बीच में, एंड दिस इज़ माय कोड, दैट इज़ PKNET10। यू कैन यूज़ दिस कोड एज अ रेफरल कोड। सो दोज हु आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, सो जो नए आ रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, सो इस कोड को यूज़ करके आप जो अनअकैडमी का जो क्लासेस है जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ भी फ्री में, सो आप वो क्लासेस को अवेल कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। राइट, मैं सब कुछ कंप्लीट करवा रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट जो आपका सेशन होने वाला है वो पीपल एंड एनवायरनमेंट का होगा। ठीक है, 11 से 12 के बीच में मेरे साथ, सो उसमें भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंड सेम कोड आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ PKNET10 फॉर द अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन है वो आईडी एक्ट एंड ट्रेड यूनियन का रहेगा। दिस इज़ फॉर द पेपर टू स्टूडेंट्स, सो दोज हु आर फ्रॉम द पेपर टू, दे कैन ज्वाइन द क्लास। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। ओके, सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रिसर्च। हम रिसर्च के टाइप्स पढ़ रहे थे, राइट? सो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेटरी। व्हाट इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च? देखो, एक्सप्लेन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन करना। ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें हैं, बट उसको हम ज़्यादा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी मतलब, सपोज आपको मैंने एक चीज़ दी, ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया या मैंने आपको एक आंसर दिया। अब मैंने बोला आप इसको एक्सप्लेन करो कैसे ये इसका आंसर हुआ, तो पहले आपने इसका आंसर दे दिया है ना। ठीक है, व्हाट यू हैव ऑलरेडी, आपको बस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बस उसको शोकेस करना है, तो दैट मीन्स ये आपका कौन सा हो जाएगा, दिस इज़ योर डिडक्टिव। ठीक है, अगर मैं आपकी आपसे बात करूं कि ये कौन सी अप्रोच है, दिस इज़ योर डिडक्टिव अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास है, आपको उसे शोकेस करना है, आपको उसे जनरलाइज करना है, सो दिस इज़ नोन एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ओके, इलेबोरेट करना, एक्सटेंड करना, एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी, एक सेकेंड, एक्सप्लेनेटरी, सॉरी, ये आपका एक्सप्लेनेटरी था ना। अब अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोर का मतलब होता है जब आप नई नई, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे जब भी आप कोई भी डेस्टिनेशन, जैसे आप घूमने के डेस्टिनेशन का, या फिर आप कोई भी फूड को एक्सप्लोर करते हो ना एक्सप्लोर, कि हम चीज़ नई ट्राई करते हैं क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कुछ नई चीज़ों को, तो यहाँ पर भी नए कल्चर्स को, नए फूड को, नए डेस्टिनेशन को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, तो रिसर्चर यही करेंगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, सो दिस इज़ नोन एज इंडक्टिव, क्योंकि यहाँ पर नई चीज़ों को सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास थ्योरी ही नहीं है, आपको थ्योरी बनानी पड़ेगी ना, उसके बाद ही तो आप जनरलाइज करोगे, तो पहले आप थ्योरी बनाओगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है। यहाँ पर मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन मतलब चेंजेस, ठीक है, चेंजेस आ सकते हैं। मैनिपुलेशन मतलब होता है चेंजेस, जब वेरिएबल्स का चेंजेस आ जाते हैं, जब कंट्रोल वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, कंट्रोल्ड वेरिएबल को, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, जैसे कि न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया एप्पल पे, ठीक है, तो वो वाला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मैनिपुलेट किया दो वेरिएबल्स को, एक तो होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे चेंज किया जाता है, चेंजेस लेकर आए जाते हैं, सो दैट हमारी रिसर्च अच्छे से हो पाए, साइंटिफिकली हो पाए, और हमें हमेशा यहाँ पर कंट्रोल करना है सभी ग्रुप्स को, कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल ना आ जाए, ठीक है, कोई बैरियर ना आ जाए बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डिस्कवर करना है, कहीं ना कहीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी बैरियर। ओके, सो ये ज़रूरी है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक आपका मैनिपुलेशन लेकर आता है, चेंजेस लेकर आता है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, सो दिस इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव रिसर्च, दिस इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, सो क्वांटिटेटिव है तो डिडक्टिव ही होगा, क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है कॉजी एक्सपेरिमेंटल। कॉजी एक्सपेरिमेंटल को हम क्या कहते हैं, एक्सपोस्ट। देखो, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, हम बिफोर बोलते हैं ना, बिफोर द एक्सपेरिमेंट, हमने, हमें नहीं पता एक्सपेरिमेंट से पहले, एक्सपेरिमेंट के पहले जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके लिए हो गया।
अब अगर हम बात करते हैं कोजी एक्सपेरिमेंटल की या फिर एक्सपोज की, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये आपका आफ्टर द इंसिडेंट आ जाता है, आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है। जब आपका इंसिडेंट हो चुका है, जब आपने चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि अब इंसिडेंट के बाद क्या हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन लगी, ठीक है। सो कोविड वैक्सीनेशन के बाद लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो हमारा हो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या उनकी तबीयत पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट किया गया वैक्सीनेशन का, या फिर बहुत सारे चेंजेस उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, तो वो हम देख रहे हैं। तो आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट होने के बाद ही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्वांटिटेटिव ही होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी थ्योरी है, अब आप उसको जनरलाइज करने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है, आइडेंटिफाई करके। नेक्स्ट जो रिसर्च है आपकी, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होती है। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होती है जब आप एक पर्टिकुलर पर्सन के एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। जब आप एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनकी थिंकिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं एक फिनोमेनोलॉजिकल। लेकिन आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस कर रहे हो जाकर, ठीक है, उससे बात कर रहे हो, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, उससे समझ रहे हो, तो उसको हम कहेंगे फिनोमेनोलॉजिकल, दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव। एंड एथनोग्राफी इज रिलेटेड टू कल्चर। सो जब कल्चर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि कल्चर हमारा कैसा होगा, लाइक कस्टम्स, कल्चर्स, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हो सकते हैं, तो उनको जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसको भी हम कहते हैं एथनोग्राफी, एंड इसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव। दिस इज ऑल्सो क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। बाकी का जो थ्योरी, बाकी की जो रिसर्च है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी। आई होप आपको ये तीन चीज़ें याद हैं, क्लियर है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कि हाँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करेंगे इसका। कॉजी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नीड मैनिपुलेशन और नॉट, मैनिपुलेशन और नॉट, ठीक है। क्या कॉजी एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं वेरिएबल्स का या नहीं, ओके। दिस इज योर क्वेश्चन, इज दिस ट्रू और नॉट, ओके। सो थैंक यू ऑल।